नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो एशिया कप 2022 के सुपर फोर स्टेज में इंडियन टीम का खराब प्रदर्शन जारी है, जहां पर इंडियन टीम अपने सुपर फोर स्टेज के दोनों मुकाबले बैक टू बैक हार चुकी है। पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेट की हार का सामना करना पड़ा, वहीं पर दूसरे मुकाबले में कल श्रीलंका के हाथों 6 विकेट की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। और इन दो मुकाबलों में लगातार हारने के बाद इंडियन टीम का फाइनल में पहुंचने का जो रास्ता है वो लगभग नामुमकिन सा हो गया और सभी इंडियन फैंस काफी ज्यादा निराश और हताश हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडियन फैंस के मन में अभी भी होप है और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी ऐसा कोई रास्ता है जिसकी मदद से इंडियन टीम एशिया कप 2022 के फाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फाइनल का क्वालिफिकेशन सिनेरियो बताने वाला हूं जिसकी मदद से इंडियन टीम अभी भी एशिया कप 2022 के फाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। तो दोस्तों, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है आप सभी एशिया कप 2022 के फैंस के लिए। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो हम सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशिया कप 2022 के लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल के ऊपर। तो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पर मौजूद है श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम ने सुपर 4 में अभी तक 2 मैचेस खेले और दोनों मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करी है। टोटल इनके पास 4 पॉइंट्स है, वहीं पर जो इनका नेट रन रेट है वो प्लस में चल रहा है 0.351। और श्रीलंका की टीम एशिया कप 2022 के फाइनल में ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पर मौजूद है पाकिस्तान की टीम, जिन्होंने सुपर 4 में अभी तक 1 मुकाबला खेला है और उसमें जीत करी है। टोटल इनके पास 2 पॉइंट्स है, वहीं पर जो इनका नेट रन रेट है वो प्लस में चल रहा है 0.126। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान की टीम को अभी 2 मैचेस और खेलने हैं अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ। अगर इन 2 मुकाबलों में से पाकिस्तान की टीम 1 मैच और जीत जाती है तब पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2022 के फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी श्रीलंका के साथ। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पर मौजूद है इंडियन टीम। इंडिया ने एशिया कप 2022 के सुपर 4 में अभी तक 2 मैचेस खेले हैं और दोनों मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास 0 पॉइंट्स है, वहीं पर जो इनका नेट रन रेट है वो है माइनस में 0.125। इसके बाद दोस्तों, पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 पर मौजूद है अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान की टीम ने सुपर 4 स्टेज में अभी तक 1 मैच खेला और उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास 0 पॉइंट्स है, वहीं पर जो इनका नेट रन रेट है वो है माइनस में 0.589। अफगानिस्तान की टीम को अभी 2 मैचेस और खेलने हैं पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ। अगर इन 2 मुकाबलों में से दोनों मैचेस अफगानिस्तान की टीम जीत जाती है तब दोस्तों अफगानिस्तान की टीम एशिया कप 2022 के फाइनल में क्वालिफाई कर लेगी। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इंडियन टीम के एशिया कप 2022 के फाइनल में पहुंचने के सिनेरियो के बारे में। तो दोस्तों, उसके लिए कई सारी कंडीशंस हैं। जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि आज जो मुकाबला होने वाला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उस मुकाबले में हर हाल में अफगानिस्तान की टीम को जीत दर्ज करनी होगी। क्योंकि अगर आज पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो ना सिर्फ अफगानिस्तान की टीम बल्कि उसके साथ ही साथ इंडियन टीम भी एशिया कप 2022 से ऑफिशियली बाहर हो जाएगी। तो अगर इंडियन टीम को थोड़ी सी भी अपने चांसेस बरकरार रखने हैं एशिया कप के फाइनल में पहुंचने के लिए तो आज अफगानिस्तान का मुकाबला जीतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जो इंडिया और अफगानिस्तान का मुकाबला होने वाला है 8 सितंबर को, उस मुकाबले में इंडियन टीम को काफी ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करनी पड़ेगी, ताकि जो इंडिया का नेट रन रेट माइनस में चल रहा है वो प्लस में आ जाए और इंडिया जो है वो नेट रन रेट के मामले में बाकी टीमों से काफी ज्यादा अच्छी हो जाए। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जो श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा 9 सितंबर को, उस मुकाबले में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को हराए। ये दोस्तों, अगर तीनों कंडीशंस होती हैं तब इंडिया, पाकिस्तान और इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान तीनों टीमों के 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, जबकि श्रीलंका के 6 पॉइंट्स रहेंगे और वो एशिया कप के फाइनल में ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाएंगे। जबकि इन तीनों टीमों के बीच में नेट रन रेट पे डिसाइड होगा कि कौन सी टीम फाइनल में क्वालिफाई करेगी। और अगर इंडियन टीम का नेट रन रेट इन तीनों टीमों से बेहतर होता है तब दोस्तों इंडियन टीम श्रीलंका के साथ एशिया कप 2022 के फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। इसमें दोस्तों यही एकमात्र रास्ता बचा है इंडिया के पास एशिया कप 2022 के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि ये रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, चमत्कार होते हैं। तो हम सब यही होप करेंगे कि आज कोई चमत्कार हो जाए और अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को हरा दे, जिससे कि हमारे चांसेस बढ़ जाएं। आपको दोस्तों क्या लगता है कि इंडियन टीम अभी भी एशिया कप 2022 के फाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं,
और कौन सी वो दो टीमें होंगी जिनके बीच एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।